अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर शैला सईद। मैं डी मॉन्टमोरेंसी कॉलेज डेंटिस्ट्री की ग्रेजुएट हुई हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की थी 1999 में। मैं एक विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ और लंदन से आके पाकिस्तान में काम करती हूँ। इस्लामाबाद और लाहौर में जनरल डेंटिस्ट्री, फेशियल एस्थेटिक्स इंक्लूडिंग डेंटल इम्प्लांट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। डेंटल इम्प्लांट्स टाइटेनियम के स्क्रूज़ होते हैं जो बोन में फ़िक्स किए जाते हैं। डेंटिस्ट उनको फ़िक्स करते हैं। वो आपकी दांत की जड़ को रिप्लेस करते हैं जब आपके दांत मिसिंग हों, और उनके ऊपर क्राउन्स लगाए जाते हैं जो आपके दांत की तरह एक्ट करते हैं और आपको हेल्प करते हैं खाने में। डेंटल इम्प्लांट्स की कामयाबी का इन्हिसार बहुत सारी चीज़ों पर है। अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिसका मतलब है आपको बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, तो डेंटल इम्प्लांट्स वास्तव में सक्सेसफुल नहीं होते। उसके लिए डेंटिस्ट को थरो आपकी एग्जामिनेशन करनी पड़ती है और फिर बता सकते हैं कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर सर्जरी के दौरान कोई इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाए बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, तो डेंटल इम्प्लांट फेल हो सकता है। स्मोकिंग इज़ अ कॉजेटिव फैक्टर। उस हैवी स्मोकर्स में डेंटल इम्प्लांट्स यूजली नहीं वर्क करते। गम डिजीज़ एक फैक्टर है। अगर आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गम प्रॉब्लम्स हैं तो डेंटल इम्प्लांट्स में नॉट सर्वाइव वेल। बोटॉक्स एक इंजेक्टेबल लिक्विड है जो रिंकल रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। आपके फेस पे, गर्दन पे अगर झुर्रियाँ हैं तो वो एक मसल्स की वजह से होती हैं, और बोटॉक्स लिक्विड उन मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो झुर्रियाँ गायब हो जाएं। यूजुअल टाइम फॉर बोटॉक्स टू लास्ट इज़ एनीथिंग फ्रॉम 6 months टू अ ईयर। कुछ लोगों में जल्दी इफ़ेक्ट कम हो जाता है, कुछ लोगों में बेनिफिट नहीं होता, जो कि बहुत कम रिस्क है। 5 to 10% के उन लोगों में बोटॉक्स इफ़ेक्टिव नहीं होता। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंजेक्शन की फॉर्म में लगाया जाता है तो ब्रूजिंग हो सकती है, थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ी पेन हो सकती है। इसके अलावा कोई नॉन लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। डर्मल फिलर्स आर इंजेक्टेबल फिलर्स जो कि स्किन को प्लम्प करते हैं। ये नेचुरली या सिंथेटिकली सोर्सेज से प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे चीक बोन्स को प्रोमिनेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अंडर आई एरिया में इंजेक्ट कर सकते हैं ताकि आई बैग्स रिमूवल के लिए। और इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर इफ़ डन प्रॉपरली। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में अर्ली कॉम्प्लिकेशंस आर ब्रूजिंग, पेन, ब्लीडिंग फ्रॉम द साइट। लेट कॉम्प्लिकेशंस कैन बी डर्मल फिलर गोइंग इनटू अ वेन और एन आर्टरी विच कैन बी क्वाइट डेंजरस। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि जो इंडिविजुअल डर्मल फिलर्स कर रहे हैं वो प्रॉपरली एंड थरली ट्रेंड हों। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो काइंडली मरहम के थ्रू ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए।